केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड अंतर्गत आज सुबह सुबह उस समय पूरा कीर्तिनाय पंचायत के साथ साथ कई पंचायत में आक्रोश देखने को मिला। जब सुबह ग्रामीणों को पता चला कि पकड़िया लाला टोली स्थित काली मंदिर में, जहां सैकड़ों वर्षों से लोगों की भावना जुड़ी हुई है, उस जमीन को बेच दिया जाएगा या फिर बेच दिया गया, देखते ही देखते पूरा गांव उस मैदान में इकट्ठा हो गया। जब उन लोगों को पता चला कि सैकड़ों वर्ष से पूजा हो रही पूरा मंदिर परिसर को ही बेच दिया गया है, इस मामले को जानकर वहां के लोगों में आक्रोश फैल गया और सभी लोग काफी आक्रोशित दिखे। गौरतलब हो कि पूर्व में पकड़िया काली मंदिर लाला टोली स्थित लाल परिवार के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा लोगों को पूजा करने के लिए छोड़ दिया गया था। उस जगह पर हर साल प्रवचन, मेला, नाट्य, कला और कई तरह के प्रोग्राम सालों भर होते रहते हैं। इसी के साथ ही साथ उस मेले के लिए लाइसेंस भी निर्वत्र होता है और पीरपैती प्रखंड के काली मेला में पकड़िया कला, पकड़िया काली मेला भी बहुत नामी ग्रामी है। इसी को लेकर प्रदेश मुखिया संघ के उपाध्यक्ष, पूर्व मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि झूपा सिंह, पंचायत समिति सदस्य सुधीर पांडे व सरपंच पति बड़कू मिश्रा के अलावा सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर अंचल अधिकारी पीरपैती के नाम से एक आवेदन लिखा गया। साथ ही साथ उसकी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी व राजस्व मंत्री बिहार सरकार को भी प्रेषित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यह जमीन हम लोगों के पास सैकड़ों वर्ष से है, जिस पर हर साल मेले का लाइसेंस मिलता है, इस पर उचित निर्णय लिया जाए जल्द से जल्द। तो वहीं जिस हिंदू धर्म की आस्था पर चोट ना पहुंचा, वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं उसे प्रखंड के मुखिया ने कहा, अगर जमीन मालिक को इस जमीन का पैसा चाहिए तो हम गांव वाले चंदा इकट्ठा कर उन्हें पैसा देंगे, लेकिन यह मंदिर परिसर बरकरार रहे, यही गांव वालों की भी इच्छा है। आप कीर्तनिया पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि और पूरा जिला के संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो आपके गांव का मामला है, तो क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, ये हमारे गांव का ही मामला और कीर्तनिया पंचायत का ये मामला नहीं है, ये मामला पीरपैती प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का मामला है। लगभग यहाँ से 8 से 10 पंचायतों का, यहाँ माँ काली मंदिर आप दिखाइए, वहाँ देखिए उस काली मंदिर का लोग का भावना यहाँ जुटा हुआ है। आपको हमारे बीच हमारे इस मेला कमेटी के जो सरकारी अध्यक्ष हैं, ये त्रिपुरारी लाल जी, जो 25 वर्षों से लगातार इनको लाइसेंस मिल रहा है, इसके साथ यहाँ कई प्राइवेट जो संस्था है, यहाँ के मेला कमेटी उसके अध्यक्ष कुंदन जी हैं, हमारे पंचायत बड़े भाई पंचायत समिति सदस्य हैं राजेश पांडे जी, जो पूर्व में अध्यक्ष थे, वहाँ सरपंच पति हैं। इसके साथ ही साथ आप दिखाइए कि यहाँ जितने ग्रामीण जुटे हुए हैं। मामला यह है कि यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से काली माता का पूजा होते आ रहा है, बलि पड़ रही है, यहाँ पे प्रत्येक साल 8 दिन 10 दिन प्रवचन होता है, रासलीला का कार्यक्रम होता है, नवयोग बच्चे लोग नाटक भी करते हैं, और यहाँ पे आदिवासी भाइयों का भी, संथाली झुंड का भी मेला लगता है। पिछले 25 साल से इसके लिए लाइसेंस भी हम लोगों को मिलता है यहाँ पर पूजा करने के लिए। अभी तत्कालिक ये मामला हुआ कि ये ज़मीन जिनका भी हो, इनके पूर्वज व्यक्तिगत रूप से, मतलब यानी ये लोग कह दिए थे कि इतना सा जो ये जो परती वाला ये ज़मीन है, ये पूरा काली माता को हम लोग दान में देते हैं, और ये जब तक मेला लगता है इनके, यहाँ मतलब ये काली माता की ही संपत्ति होगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।